मुगलपुरा थाना इलाके में मोबाइल चोर को लोगों ने रंगे हाथों दबोच लिया। पिछले कई दिनों से एक ही नर्सिंग होम में मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले इस चोर को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। राजकीय इंटर कॉलेज के नजदीक हसन नर्सिंग होम पर पिछले कई दिनों से मरीजों के मोबाइल चोरी होने की एक एक कर कई वारदातों के बाद चौकन्ने हुए नर्सिंग होम कर्मियों ने शुक्रवार की दोपहर मोबाइल चोरी करते मुस्लिम इंटर कॉलेज के नजदीक रहने वाले सलाउद्दीन पुत्र मुन्ने को धर दबोचा, जो मरीजों के पास कंपाउंडर बनकर जाता था और मरहम पट्टी के बहाने मोबाइल पर हाथ साफ कर खिसक लेता था। मोबाइल चोर के पकड़े जाने की खबर सुनकर काजी टोला निवासी हसीन अहमद भी हसन नर्सिंग होम पर पहुंचे, जिनका मोबाइल 5 अप्रैल की शाम हसन नर्सिंग होम से चोरी हो गया था। हसीन अहमद पकड़े गए चोर को देखते ही पहचान गए। उनका आरोप है कि यह वही चोर है जो कंपाउंडर बनकर उनके मरीज की मरहम पट्टी के बहाने आया था और उनका मोबाइल उड़ा ले गया। मेरा मोबाइल जो था तो वो चोरी हुआ और ये लड़का मेरे पास आया कंपाउंडर बन के, और इसने मुझसे ये कहा कि पट्टी हो गई आपकी? नहीं, मैंने कहा पट्टी तो नहीं हुई अभी, तो इसने मेरी पट्टी दे दी खुलवा के, और खुलवाने के बाद मुझसे कहा करवट ले लो। जब करवट ली तो बोला और ज़्यादा लो करवट। इसने मोबाइल मेरा वहाँ से उतार लिया, वो जो उस पर रखा हुआ चार्जिंग पर, ऐसे गया। उसके बाद 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। पता लगे आपको क्यों मोबाइल चोरी आपका? उसी वक्त 5 मिनट में डॉक्टर साहब के लिए मैंने फ़ोन करा के भाई आ जाओ घर को, तो मोबाइल गायब था। 5 मिनट में आज जो पकड़ा है लगे हो कि मोबाइल आपका चोरी चुराया था? हाँ, मैंने इसे पहचान लिया, वो डॉक्टर साहब अब तो इन्होंने इन लोगों ने पकड़ा, मैंने नहीं पकड़ा। इसने कबूल लिया चुराया था आपका? हाँ, ये कह तो रहा, देखो इससे मालूम करो। कर्मियों ने जब सलाउद्दीन से पूर्व में चोरी किए गए मोबाइल फोन्स की जानकारी ली तो उसने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने सभी मोबाइल फोन फौरन ही बेच दिए थे। तुमने मोबाइल चुराया था उनका? एक लिया था। कब चुराया था? कई दिन हो गए। दिन था कंप्यूटर बन के आए थे? नहीं, ये तो कैरेक्टर बन के आए थे। इनने मुझसे ये क्या ऐसे चुरा के लगे मोबाइल पास? हाँ, इससे पहले कितने मोबाइल चुराए? ऊपर देखो, ऊपर देखो। ये सब लोग कह रहे हैं कि ना मेरे कब चुराया है, कब चुराया है। ऊपर ऊपर चाचा का था बदल का। क्या करा मोबाइल का? नर्सिंग होम में एक एक कर मोबाइल चोरी की घटनाओं के बाद पकड़ में आए चोर से नर्सिंग होम कर्मियों ने राहत की सांस ली। पुलिस को सौंपे गए इस चोर की कारगुजारियों की जानकारी देते हुए नर्सिंग होम स्वामी व मेयर एसटी हसन ने सिटी न्यूज संवाददाता को बताया। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान लोगों में या तो बेरोजगारी की वजह है या उनके माँ बाप उनको ध्यान नहीं देते। जो उम्र पढ़ने की और खेलने कूदने की होती है उस उम्र में ये लोग चोरियाँ कर रहे हैं। ऐसे ही एक चोर जो मोबाइल चुराता है हमारे अस्पताल से पकड़ा गया है। बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये आता था, मरीजों को ये शो करता था कि हम अस्पताल के कर्मचारी हैं, सफाई सुथराई भी कर देता था कभी कभी बेड्स की, और इसी बीच में उनके मोबाइल और पर्स वगैरह चुरा लिया करता था। इत्तेफाक से आज वो नज़र में आ गया, उसे पकड़ लिया गया। मेरी तमाम ही उन लोगों से अपील है जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में नहीं ले आते, कम से कम जो लोग माँ बाप हैं पैदा करने के बाद जो उनके फ़राइज़ हैं उसको अंजाम दें और बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से रोक। आगे फिर उसको सौंप देंगे थे आप? जाहिर है, इसने बहुत चोरियाँ करी हैं और ऐसे मरीज भी हैं जिनके मोबाइल इसने कबूले हैं, वो कानून अपना रास्ता लेगा और पुलिस इससे और बाकी जो भी इसने चोरियाँ करी हैं उसे बरामद करके उन लोगों तक पहुँचाएगी जो इन लोगों की चोरियाँ होंगी।